डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फोर नाउन एंड इट्स काइंड से रीड करेंगे और एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज। हम यह पहले ही सीख चुके हैं कि हमें नाउन को विभिन्न तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। लेट्स रिवाइज देम, आओ उनको दोहराएं। कॉमन नाउन्स, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग कॉमनली। एक कॉमन नाउन एक नेम होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु को समान रूप से या संयुक्त रूप से दिया जाता है। इन अदर वर्ड से कॉमन नाउन से रेफर टू जनरल क्लासेज और थिंग्स। दूसरे शब्दों में कॉमन नाउन सामान्य वर्ग या वस्तुओं की तरफ इशारा करता है। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स। मैन इज ए मॉर्टल, मनुष्य शक्तिशाली है। इसमें जो मैन है ये कॉमन नाउन है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। मुंबई इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई एक महानगरीय शहर है। ईयर, मैन, बुक, टेबल एंड सिटी आर कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल को देखो। आशीष इज माई ब्रदर, आशीष मेरा भाई है। रेहाना इज ए प्रेटी गर्ल, रेहाना एक प्यारी लड़की है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। ईयर, आशीष, रेहाना, दिल्ली एंड इंडिया आर प्रॉपर नाउन्स। ए प्रॉपर नाउन इज रिटन विद ए कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी कि उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा। कोलेक्टिव नाउन्स, ए कोलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और ए थिंग्स दैट आर सिमिलर। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, एक कोलेक्टिव नाउन व्यक्तियों या वस्तुओं के एक जैसे समूह की तरफ इशारा करता है। टेकन टुगेदर, जिन्हें इकट्ठा लिया जा सकता है, एंड स्पोकन एज ए वन होल, और जिन्हें एक साथ मिलकर बोला जाता है। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल देखो। ए बंच ऑफ कीज, एक चाबियों का गुच्छा। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थियों की कक्षा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों, एक सैनिकों की टुकड़ी या सेना। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों की एक लाइब्रेरी। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, समुद्री जहाजों का एक बेड़ा। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का एक झुंड। ईयर, बंच, क्लास, आर्मी, लाइब्रेरी, फ्लीट एंड फ्लॉक आर कोलेक्टिव नाउन। इसमें जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक समूह में इकट्ठा किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं कोलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन्स, ए मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस दैट वी कैन टच और सी। एक मटेरियल नाउन वो सब्सटेंस है, वो तत्व है जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, और यह पृथ्वी से प्राप्त होता है। और इट इज़ यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स,
और इसे दूसरी चीज़ें बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पृथ्वी के बजाय हम यूँ कह सकते हैं प्रकृति से प्राप्त होता है। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल देखो। सी वियर्ज ए चेन ऑफ गोल्ड, वह एक सोने की चेन पहनती है। तो इसमें जो गोल्ड है ये मेटेरियल नाउन है, गोल्ड हमें प्रकृति से मिलता है, ये हमने नहीं बनाया, चेन हमने बनाई है। द मेन गेट्स आर मेड ऑफ आयरन, मुख्य द्वार लोहे का बना हुआ है। ऑल दीज स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क, ये सभी मिठाइयाँ दूध की बनी हुई हैं। ईयर गोल्ड आयरन एंड मिल्क आर मेटीरियल नाउन, दीज आर यूज टू मेक अदर थिंग्स, ये दूसरी चीज़ों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। रिमेंबर आर्टिकल्स द इज नॉट यूज विद ए मेटीरियल नाउन, एक मेटीरियल नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। हाउ एवर द आर्टिकल, हाउ एवर द यूज ऑफ आर्टिकल इंश्योर दैट ए नाउन इज ए कॉमन नाउन, आर्टिकल द का प्रयोग ये सुनिश्चित करता है कि नाउन एक कॉमन नाउन है एंड नॉट ए मेटीरियल नाउन, और एक मेटीरियल नाउन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग टी, दूध का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो मिल्क आया है ये मेटीरियल नाउन है। बी में द मिल्क ऑफ दिस टी इज कर्डल्ड, इस चाय का दूध फटा हुआ है। इसमें जो मिल्क आया है ये कॉमन नाउन है। स्पेशल नोट, द थिंग्स मेड फ्रॉम मेटीरियल नाउन आर कॉमन नाउन, वस्तुएं जो मेटीरियल नाउन से बनती हैं वो कॉमन नाउन होती हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, उदाहरण के लिए दूध का प्रयोग दही बनाने के लिए होता है। कर्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग बटर मिल्क, और दही का प्रयोग लस्सी बनाने के लिए होता है। इन द फर्स्ट सेंटेंस मिल्क इज ए मेटीरियल नाउन एंड कर्ड इज ए कॉमन नाउन, पहले सेंटेंस में मिल्क एक मेटीरियल नाउन है और कर्ड एक कॉमन नाउन है। इन द सेकेंड सेंटेंस कर्ड इज ए मेटीरियल नाउन एंड बटर मिल्क इज ए कॉमन नाउन, दूसरे सेंटेंस में दही एक मेटीरियल नाउन है और लस्सी एक कॉमन नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द सेम इज द नेम ऑफ क्वालिटीज स्टेट्स फीलिंग्स आइडियाज एंड एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण प्रकृति भावनाएं विचार और कार्य का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस एक्शन बिहेवियर ब्यूटी ग्रामर फिजिक्स लिटरेचर एट्सेट्रा, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल देखो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। वर्ट्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड, पुण्य का अपना ही प्रतिफल होता है, यानी कि जो अच्छा काम करेगा उसके साथ ही अच्छा होगा। लक्की इज फेमस फॉर हिज रूडनेस, लक्की अपनी अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। रूडनेस होता है अशिष्टता या असभ्यता। स्पेशल नोट, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आर्टिकल द का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं किया जाता। चेक योर स्किल्स, अब आपने जो सीखा वो चेक करो। अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स,
ये नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हमने नाउन को अंडरलाइन करना है और वो किस प्रकार का नाउन है ये जो सामने ब्लैंक स्पेस दिया गया है उसमें उसका नेम लिखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से अच्छा है। इसमें जो प्रिवेंशन है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, इसमें बुक्स और लाइब्रेरी ये दोनों ही नाउन हैं और ये दोनों ही कॉमन नाउन हैं। तो इनमें जो नाउन है पहले उनके नीचे अंडरलाइन करना है और सामने जो स्पेस दिया है उसमें उसका नेम लिखना है। विशेषज फादर हैज ए ब्यूटीफुल बंगला, विशेष के पिताजी के पास एक सुंदर बंगला है। इसमें विशेषज फादर ये नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। दीक्षा हैज डन हर पीएचडी, दीक्षा ने अपनी पीएचडी कर ली है। इसमें दीक्षा नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इसमें स्वीट क्या है नाउन, आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी इसका मीनिंग हुआ विपत्ति का उपयोग सुखद होता है। स्वीट का मतलब यहाँ मीठा नहीं सुखद बोलेंगे और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द पुलिस रैन आफ्टर ए गैंग ऑफ थीव्स, पुलिस एक चोरों के गिरोह के पीछे दौड़ी। इसमें गैंग ऑफ थीव्स ये नाउन है और ये कोलेक्टिव नाउन है। दैट टेबल इज मेड ऑफ वुड, वह मेज लकड़ी की बनी हुई है। इसमें जो वुड है ये नाउन है और ये मटेरियल नाउन है। ही गैदर्ड ए फ्यू एंशियंट क्वाइंस, उसने कुछ पुराने सिक्के इकट्ठे किए। इसमें क्वाइंस है ये नाउन है और ये कॉमन नाउन है। मैरीना बीच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, मैरीना बीच भारत में सबसे बड़ा तट है। समुद्र के किनारे जो होता है उसको बीच बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं तट। इसमें मैरीना बीच और इंडिया दोनों ही नाउन है और दोनों ही प्रॉपर नाउन है। दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, यह घर पत्थर का बना हुआ है। इसमें स्टोन नाउन है और ये मटेरियल नाउन है। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।